आज की जो बुक है उसका टाइटल है इस्लाम मसीहियत और मुकालमाए मोहब्बत। सो इसमें हम ये देखेंगे कि क्योंकि जो मसीहियत है उसके बाद जो अगला दीन आया वो दीन इस्लाम आया। इसमें काफ़ी पहले भी हम बात कर चुके हैं खुशी साहब क्रिसमस के हवाले से कि दोनों दीनों में जो है वो बहुत सी कुर्बत पाई जाती है, बहुत सी कॉमन बातें पाई जाती है। इसमें मुकालमा मोहब्बत की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से इस बुक में इस चीज़ का तस्करा किया गया है। कैप्टन नईम मुश्ताक की ये किताब है इस्लाम मसीहियत और मुकालमा मोहब्बत। इस किताब में एक तो एक मुसन्निफ के बारे में ये बताऊं कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और तकाबुली अदियान इनका खास मौजू कंपैरेटिव रिलीजन जिसको आप कहते हैं कि ये खास तौर पर जो इल्हामी रवायत है मजाहत जिसको हम इब्राहिमी रवायत भी कहते हैं, इब्राहिमी अदियान भी कहते हैं, उसमें यहूदियत मसीहियत और इस्लाम तीनों बड़े अदियान हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि ये इब्राहिमी अदियान है। तो उन्होंने इनका तकाबली मुताला किया है, इसके अंदर जो मुश्तरिकात हैं उनको निकाला है और ये बताने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें हैं जो इस इल्हामी रवायत में मुश्तरिका है, कामन है और चली आ रही है। ये बड़ा अहम मौजू है इस दौर का, उस पर बड़ी ज़रूरत है कि काम किया जाए। देखिए दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं इस वक्त उसकी एक तावीर ये की जा रही है कि मजाक के दरमियान कोई झगड़ा है। आप ये अक्सर सुनते हैं कि सलीबी जंग जो है वो शुरू कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ। सलीबी जंग की इस्तलाह का एक पस मंजर है, वो ये है कि खास तौर के अंदर मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान एक लड़ाई हुई थी, तो मसीहियों ने उसको इनिशिएट किया और उसको आप कहते हैं कि वो सलाउद्दीन अयूबी और वो सारा जो पस मंजर है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक नई सलीबी जंग का आगाज हो रहा है जिसमें आप गोया ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान और मसीही एक दूसरे के बिलमुकाबल है। ये तकसीम गलत है बुनियादी तौर पर, ना तो इस्लाम मसीहियत के खिलाफ सरगर्म अमल है और ना मसीहियत इस्लाम के खिलाफ सरगर्म अमल है। असल में ये तो साम्राज्यियत है, इंपीरियलिज्म है जो दुनिया में इस वक्त अमरीका की शक्ल में है, इससे पहले रूस की शक्ल में था, सोवियत यूनियन की शक्ल में था, इससे पहले बरतानिया की शक्ल में था। तो इंपीरियलिज्म जो है वो दुनिया में अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। इंपीरियलिज्म का कोई मजहब नहीं होता, इंपीरियलिस्ट फोर्स जो है वो कोई भी हो सकती है। मसलन रूस सोवियत यूनियन इंपीरियलिस्ट फोर्स थी, उसका कोई मजहब ही नहीं था, वो तो आपको मालूम है कि इश्तराकियत पे बिलीव करते थे जो किसी मजहब को नहीं मानते। तो इश्तराकियत जो है वो तो कोई मजहब नहीं था बुनियादी तौर पर, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ अफगानिस्तान में चढ़ दौड़े और फिर रूस और अमरीका आपस में लड़े। तो ये लड़ाई मजहब की नहीं होती, ये लड़ाई असल में मुफादात की होती है, जो सियासी भी होती है, समाजी भी रंग दे, उसको मजहबी रंग दिया जाता है। नई मुश्ताक ये बताते हैं कि असल में जरूरत है कि मुसलमानों और मसीहों के दरमियान मुकालमा हुआ जाए। मुकालमे और मुनाजरे में फर्क होता है। मुनाजरा ये होता है कि आप अपनी बर्तरी को साबित करना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ होता है ईंट दारा पत्थर आप दूसरों को मारते हैं और आप गोया दूसरों को मिटाने के चक्कर में होते हैं, इस कोशिश में होते हैं कि आपका नुकता नजर गालिब रहे। मुकालमा ये होता है कि आप अपनी बात कहते हैं दूसरे की सुनते हैं, ये बराबरी के सतह पर होता है। आप दोनों नुकता है नजर को सामने रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि किसी सिंथेसिस किसी मुफामेर की तरफ चले जाए, इसी से मोहब्बत जन्म लेती है। तो नई मुश्ताक ये कहते हैं कि इस वक्त इस्लाम और मसीहत के दरमियान मुनाजरे के नहीं मुकालमे की जरूरत है, इसलिए कि ये मुकालमा जो है वो आगे बढ़ के मोहब्बत में बदलेगा और जब इतने बड़े मजहब के मानने वालों के दरमियान मोहब्बत होगी इससे दुनिया में अमन पैदा होगा। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मजहब है वो मसीहियत है, सैयदना मसीह के मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर मुसलमान हैं इलामी मजहब में जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो अगर मुसलमान और मसीही पुरामन तरीके से रहने का फैसला कर लें दुनिया में तो इससे एक अमन वजूद में आ जाएगा, सारी इंसानियत के लिए बाइस खैर होगा, लिहाजा हमें इसी को प्रमोट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने इसमें कही है डॉक्टर नईम मुश्ताक ने, उन्होंने ये बताया है कि अगर ये मुकालमा होता है मसीहियत और इस्लाम के दरमियान तो चार चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तरिका है जिसकी बुनियाद पर आप इस मुकालमा